सरसों के लहराते खेत तो आपने कई बॉलीवुड फिल्मों में देखे होंगे, मगर क्या आपने शुद्ध सरसों के तेल को निकलते हुए देखा है? पहले के जमाने में लोग खुद कोल्हू पर जाके तेल निकलवाया करते थे, जिसकी जगह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों ने ले ली है, और उनके केमिकल भरे तेलों के बारे में तो क्या ही कहना। तो आइए आपको दिखाते हैं शुद्ध सरसों का तेल कैसे निकलता और क्यों कहा जाता था इसे तेलों का राजा। आज हम आ गए बंसल मीमेन का स्पेशल से सरसों का तेल निकलवाने, और मैं आपको बता दूं आज हम निकलवाएंगे काली सरसों का तेल, क्योंकि काली सरसों का तेल मैक्सिमम भारतीय घरों में इस्तेमाल होता है। वैसे तो आजकल नया ट्रेंड आया पीली सरसों का तेल, जो कि कहने को तो बहुत पुराना है, मगर अब लोगों को नया शौक चढ़ा पीली सरसों का तेल इस्तेमाल करने का। मगर आमतौर पर जो सरसों का तेल बिकता है वो होता है काली सरसों का तेल, जो कि निकलता है सरसों के फूल में से। तो सबसे पहले जो हमारी काली सरसों है उसको डाल दिया जाएगा मशीन के अंदर। यहाँ पे भैया 50 किलो सरसों डाल रहे हैं, और इसे आप देखेंगे इस जो बाल्टी में ये कम से कम 25 से 30 किलो सरसों है, और अब जो बाकी की सरसों है उसे भी डाल दिया गया है मशीन के अंदर। ये जो मशीन है इसका काम होता है इसे प्रोसेस करके आगे भेजने का और इसके तेल को निकालने का। यहाँ पे सरसों को साफ नहीं करा गया क्योंकि सफाई के लिए अलग से बहुत बड़ी और बहुत बढ़िया मशीन है। यहाँ पे देखिए भैया धीरे धीरे करके सरसों को नीचे भेज रहे हैं और नीचे इसका तेल निकलना चालू हो जाएगा। और इसमें आप सोच रहे होंगे इसमें बार बार सरसों क्यों डाली जा रही है। बार बार सरसों इसलिए डालती नहीं जाती ताकि तेल का जो बैलेंस है वो चलता रहे। इसमें थोड़ा सा पानी डाला जाता है ताकि जो सरसों है वो अच्छे से नीचे निकल पाए, सिर्फ इसी कारण की वजह से बहुत थोड़ा सा इसमें पानी डाला जाता है। अब आप देखिए ये है वो मेन मशीन जिससे सरसों के दाने से तेल निकलता है, और यह साइड में से तेल निकलता रहता है और आगे की ओर इसकी गंदगी। ये जो तेल निकलने का पार्ट देखिए इसमें छलनी लगाई हुई है, एक बार छलनी से भी इसे छाना जाता है जो कि जो भी गंदगी है वो आगे ना बढ़ पाए। आप देखिए कैसे बिल्कुल तेल निकल के नीचे आ रहा है, और जितनी भी गंदगी है वो उसी में लगती जा रही है, और जो मेन सूखी हुई गंदगी होगी वो अलग होकर बाहर निकलती रहेगी। यहाँ पे देखिए बिल्कुल बढ़िया सा तेल नीचे की ओर निकलता हुआ आ रहा है। आप देखिए बिल्कुल पीला यहाँ पे आपको तेल दिख रहा होगा, बट ये हल्का सा कालेपन पे होता है क्योंकि काली सरसों का तेल है। अगर आप पीली सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल आपको पीला मिलेगा। यहाँ पे देखिए भैया छान रहे हो, जो भी इसकी गंदगी है उसे वापस डाल देगा, उसे वापस छान के आगे दोबारा प्यूरिफाइंग के लिए निकाला जाएगा। यहाँ देखिए बिल्कुल शुद्ध तेल निकलता, बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से तेल को निकाला जाता है। और अब आप देखिए ये है वो मेन गंदगी, क्योंकि एक पहली बार की जो पहली घान की गंदगी होती है उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसके बाद की गंदगी को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो पहली गान की गंदगी है उसे इकट्ठा करके जब हमारी सारी सरसों खत्म होने पर आ जाएगी, इसे डाल दिया जाएगा मशीन के अंदर और इसका भी तेल निकाला जाता है। भाई ये कोई भी अलग से गंदगी नहीं होती, सिर्फ सरसों होती है, इसीलिए कहा जाता है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जो बाकी गंदगी बचेगी उसको भेजा जाएगा आपके पशुओं के आहार के लिए। और यहाँ पे आ चुका है हमारा सरसों का तेल जो निकल रहा था, अब बारी आती है इसकी सफाई के लिए। यहाँ पे देखिए ये हमारी बढ़िया सी मशीन है जिसमें कि कम से कम 15 से 20 नलके लगे हुए हैं। यहाँ पे 12 बार सरसों के तेल को प्यूरिफाई करा जाता है, और फिर इन नलकों के जरिए तेल आता है। जो ऑरेंज टैंकर था जिसमें तेल डला था उसी के थ्रू इस मशीन में जाता है। ये देखिए साइड में आपको पाइप दिख रहा होगा, और ये दूसरे पाइप से हमारे इस कंटेनर में शुद्ध सरसों का तेल निकल के आ रहा है। आप देखिए कितना शुद्ध और प्योर सरसों का तेल है ये। आपको अगर इसे मंगवाना हो तो आप मंगवा सकते हैं बंसल मिल से, जो कि वेलकम में है। इनका मैं आगे आपको नंबर भी दिखा दूंगी, जरूर ट्राई करें। लेकिन इनका शुद्ध तेल बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे देखिए अभी इन्हें भरा जा रहा है कंटेनर में, 5 लीटर की टंकी है। आप देख सकते हैं इसका प्राइस भी इस पर लिखा हुआ है। कोई यहाँ पे मिलावट नहीं होती, कोई यहाँ पे चोरी नहीं होती। आप आएंगे आपके सामने सरसों का तेल निकाल के दिया जाएगा। ये पीली सरसों का तेल, और ये अब भरा जा रहा है यहाँ पे काली सरसों का तेल। तो यहाँ पे दिन रात सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल निकाला जाता है। मुझे ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी। आप भी आके इनका तेल ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आप यहाँ नहीं आ सकते कहीं और से भी शुद्ध सरसों का तेल ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।